लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले हास्य धारावाहिक लापतागंज चिड़ियाघर FIR और बीरबल और इससे उलट जुर्म की दास्तां को सामने लाने वाले धारावाहिक CID हो या फिर क्राइम पेट्रोल, इसमें अलग अलग किरदार निभाने वाले राजा खान हमारे साथ मौजूद है। वो यूपी के है और यूपी के जो उरई जालौन जो जिला है वही के है। उनसे बात करते हैं। राजा जी, आपने अलग अलग धारावाहिकों में अलग अलग किरदार निभाए, चाहे हास्य धारावाहिक हो या फिर जुर्म से जुड़े धारावाहिक, क्या स्ट्रगल रहा, कैसा लगा? स्ट्रगल तो बहुत रहा, शुरू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दिन दिन भर पैदल घूमना, ऑफिसों के चक्कर लगाना, उसके बाद जब भूख लगे तो बड़ा पाव खा के रात में फुटपाथ पे सो जाना, तो बड़ा तकलीफ वाला मंजर था वो। लेकिन आज मालिक का करम है कि मुझे सीरियल मिले और मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब से यूपी में फिल्म सिटी बनी है, तो फिल्म सिटी बनने से हम लोगों को एक बहुत उत्साह मिला है और यहाँ पे मराठी के जो मराठी के बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो आज यूपी आकर और यूपी में फिल्म बना रहे हैं। और हम चाहते हैं बुंदेलखंड में भी एक फिल्म सिटी बने और वहाँ पे भी काम शुरू हो। बिल्कुल, ये राजा खान साहब थे जो कि यूपी के हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि यूपी के लिए अखिलेश यादव ने फिल्म सिटी बना के अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें बुंदेलखंड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पे भी अच्छे अच्छे कलाकार या फिर गीतकार मौजूद हैं, लिहाजा उनको बुंदेलखंड में भी एक फिल्म सिटी बनानी चाहिए। यही नहीं, राजा खान ने जो सबसे अच्छी एक बात कही, ये कही कि अगर आपके अंदर लगन है, आप लगन से काम करते हैं, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, खुदा आपका साथ जरूर देगा। लखनऊ से के न्यूज के लिए कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ दिवाकर त्रिपाठी, खबरों का सारथी।